भूमिका में टाइम हो जाएगा, 2 मिनट का टाइम ही है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में 10 दिन में किसान का कर्जा माफी करने की बात कही थी, प्रश्न संख्या 3 के बिंदु संख्या 1 में। उसके बाद में कल्ला कमेटी बनी, कल्ला साहब तो विराज रहे हैं लेकिन कल्ला कमेटी कहाँ गई इसका पता नहीं है। वन टाइम सेटलमेंट करने की बात कई बार सदन के नेता ने यहाँ पर भी कही और कई बार इस बात की घोषणा की गई, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार 66 लाख किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए 99,996 करोड़ रुपए की उस समय आवश्यकता थी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश के 20 लाख किसानों का सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ़ किया, जिसमें भी पूर्ववर्ती सरकार के 6,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। 1 मार्च 2023 को विधानसभा में तारांकित सवाल के अंदर में आप बैठ जाइए, संरक्षण चाहते हैं, ताली तो बजाओ, 14,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ जिसमें 6,000 करोड़ रुपए आपके वादे किए गए हैं। आपने वादा किया था, आप नहीं कर पाए। आप सीनियर आदमी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, तारांकित सवाल के अंदर राजस्थान सरकार ने ये स्वीकार किया है कि इसके अंदर राष्ट्रीयकृत बैंक और शेड्यूल्ड बैंक के 30 नवंबर 2018 को स्वीकार किया है कि 3,49,257 किसानों की एनपीए राशि 6,018 करोड़ 93 लाख रुपए थी, 5,638 करोड़ 47 लाख रुपए का ऋण माफ होना था जो आज बढ़कर के 12,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। किसानों का कर्जा माफी नहीं होने के कारण गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे करौली हो, वहाँ के किसानों ने आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है। मैं 4 साल में 19,422 किसानों की ज़मीनें कुर्क की गई हैं। 2021-22 के पैरा संख्या 75 में किसानों की गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की बात भी कही गई थी, किसान को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देने की बात भी कही गई थी। लंपी वायरस के अंदर कुछ लोगों को, किसानों को कर ये दिया गया है। इसके अंदर मैं 1 मिनट के अंदर मेरी बात को समाप्त करता हूं। लंपी में 15,67,000 पशुधन संक्रमित हुआ था, सरपंच संघ ने भी 5,13,000 पशुधन की मृत्यु होना बताया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार की जादूगरी देखिए, 76,030 गोवंशों की मृत्यु होना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में किसानों को जो ये सरकार ने ठगने का काम किया है, असत्य बोल करके सरकार सत्ता में आई है, ये आने अन्नदाता आपको माफ नहीं करने वाला है। धन्यवाद।